Hey guys, this is here Rohit. और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 लैपटॉप्स जो कि आपको इंटेल के लेटेस्ट 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस टाइम पे 11th जनरेशन को परचेस क्यों करना चाहिए, आखिर क्या कुछ टॉप एडवांटेज हैं जो कि मुझे इंटेल के 11th जनरेशन में मिलता है बट 10th जनरेशन में नहीं मिलता है, आखिर क्या कुछ इंप्रूवमेंट इंटेल ने अपने इस 11th जनरेशन प्रोसेसर में किया है। तो सबसे पहली और सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट ये है कि आपको इंटेल के 11th जनरेशन में मिलती है अप टू 4.8 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड। जी हाँ, 4.8 गीगाहर्ट्ज़ जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी है जिसमें कि आपको बहुत ही अमेजिंग इसकी जो स्पीड है वो देखने को मिलने वाली है। और सबसे यहाँ पे इंप्रूवमेंट जो किया गया है उसके पोर्ट्स में किया गया, आपको लेटेस्ट जो आती है पोर्ट्स लेटेस्ट जनरेशन की वो आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको थंडरबोल्ट के 4 लेटेस्ट जो आते हैं लेटेस्ट जनरेशन के थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिलेंगे, साथ ही आपको यूएसबी 3.2 नहीं मिलेगा, आपको यूएसबी 4.0 मिलेगा। जी हाँ, यूएसबी 4.0 का यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। साथ ही आपको इस लैपटॉप में मिलती है, जिस लैपटॉप में आपको मिलेगा इंटेल का 11th जनरेशन वहाँ पर आपको मिलने वाली है वाईफाई 6 की लेटेस्ट जो आती है उसकी जनरेशन की वाईफाई 6 वेरिएंट। तो बेसिकली वाईफाई 6 आपके लैपटॉप की कनेक्टिविटी को बहुत ही इंप्रूव करेगा और अगर आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो वहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी बहुत लंबे टाइम तक रहेगी और बहुत ही अच्छे स्पीड के साथ रहेगी। बहुत सारे में ऐसा होता है कि उसकी कनेक्ट हो जाएगी बट उसकी स्पीड सही नहीं रहेगी, किसी की कनेक्टिविटी बार बार चली आ रही है, बट आपको इस लैपटॉप में मिलने वाली है वाईफाई 6 की सपोर्ट, आपको मिलने वाली है यूएसबी की 4.0 लेटेस्ट पोर्ट, आपको मिलने वाली है USB Thunderbolt की 4 पोर्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी इंप्रूवमेंट की गई है। Thunderbolt 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद आपको आती है USB का 4.0 पोर्ट्स। ये दो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है जिसमें कि आपको आपके आपके लैपटॉप से बहुत अच्छा स्पीड मिलने वाला है और आप अपने डिफरेंट इक्विपमेंट्स को डिफरेंट डिवाइसेस को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर अपने डिफरेंट वर्क्स को बहुत ही स्पीडली कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि टॉप 5 लैपटॉप्स कौन कौन से हैं अभी जो आपको इंटेल के 11th जनरेशन के साथ मिलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है डेल का डेल इंस्पिरॉन 5509। आपको इस लैपटॉप में मिलती है एक फुल HD डिस्प्ले जिसमें कि आपको एंटी ग्लेयर मिलता ही है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है इसकी बेजल्स बहुत ही पतली है। आप फोटो देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये इसकी फोटो है, बहुत ही पतली बेजल्स है आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग इसकी इमर्सिव जो डिस्प्ले है वो बहुत ही इमर्सिव है। यहाँ पर आपको इसकी डिस्प्ले से कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगा और क्योंकि आपको इसमें मिलती है इंटेल का 11th जनरेशन प्रोसेसर विथ इंटेल का ही आयरिस एक्स ग्राफिक्स, तो यहाँ पर इसकी स्पीड बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, आपको इस लैपटॉप में कोई भी ऐसा लैग देखने को नहीं मिलेगा। और तथा आपको इस लैपटॉप में मिलती है 4 सेल की बड़ी बैटरी जो कि आपकी 53 वाट आवर की होने वाली है। 53 वाट आवर एक बहुत ही बड़ी बैटरी होती है जो कि आपकी लैपटॉप की लाइफ को आपकी लैपटॉप की बैटरी लाइफ को बहुत लंबे टाइम तक चला देगी, मतलब कि इसकी बैटरी बैकअप मैक्स टू मैक्स 7 hours to 8 hours की होने वाली है। और आप इस लैपटॉप की बैटरी को 65 वाट के फास्ट चार्जर से बहुत ही स्पीडली चार्ज कर सकते हो और अपने वर्क को बहुत ही लंबे टाइम तक कर सकते हो। और आपको इस लैपटॉप में सभी पोर्ट्स मिलते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था लेटेस्ट जनरेशन के पोर्ट्स आपको मिलेंगे, यूएसबी के 4.0 पोर्ट्स, थंडरबोल्ट पोर्ट्स आपको मिलते हैं, HDMI पोर्ट्स, RJ45 जैक, हेडफोन जैक, माइक्रोफोन जैक, आपको माइक्रो SD कार्ड रीडर, सभी पोर्ट्स आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हमारा आता है डेल का ही डेल इंस्पिरॉन 5409। जी हाँ, 5509 और 5409 में सेम स्पेसिफिकेशंस है। यहाँ पर आपको जो मिलने वाली है फीचर्स वो सेम मिलने वाली है। यहाँ पर आपको दोनों ही लैपटॉप में कुछ इंप्रूवमेंट जो है डेल दे रहा है। डेल आपको यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट ऐसे दे रहा है कि उसमें आपको कुछ स्मार्ट जो होती है टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। जैसे कि आप कहीं लैपटॉप को रखे हुए हो, ऐसे लैपटॉप आप रखी हुई है, ठीक है, तो ये जान रहा है कि मैं अभी एक फ्लैट जगह पर हूँ, ये जान रहा है कि मैं अभी फ्लैट जगह पर हूँ। वहाँ पे ऐसा दिया गया सिस्टम, AI नहीं कहूँगा मैं उसे, स्मार्ट सिस्टम जो कि आपके जो होती है नीचे साइड यहाँ पर वहाँ पर उसकी दी गई है। जैसे कि आप यहाँ रखे हुए लैपटॉप को तो बेसिकली वो समझ आया कि मैं फ्लैट जगह पर हूँ, मुझे अपनी जो उसकी पीक फ्रिक्वेंसी है 4.8 गीगाहर्ट्ज़ तक या फिर 3.7 गीगाहर्ट्ज़ तक जितना भी उसका फ्रिक्वेंसी है वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा और आपके वर्क को बहुत ही स्मूथ करेगा। और जैसे ही वो आप हाथ में उठाते हो लैपटॉप को तो समझ जाएगा कि मैं अपने फ्लैट सरफेस पर नहीं हूं, मुझे अब अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसे घटाना है और मुझे कम से कम हीट रिलीज करना है। तो वहाँ पर आपकी जो बॉडी है वो अच्छी रहेगी और आपको आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगा और आप अपने लैपटॉप को बहुत ही आराम से लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर डेल ने कुछ इंप्रूवमेंट किया है अपने डेल के लैपटॉप में जो कि आपको डेल के इंस्पिरॉन 5509 और 5409 में देखने को मिलने वाली है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है आसुस का आसुस वीबुक अल्ट्रा।
आपको इस लैपटॉप में मिलती है 15.6 इंचेस की एक फुल एचडी डिस्प्ले, जिसमें कि आपको एक बहुत ही अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलने ही वाला है। साथ ही आपको इस लैपटॉप में मिलती है 3 सेल की 42 वाट आवर की बड़ी बैटरी, जिसको कि आप अपने चार्जर से बहुत स्पीडली चार्ज करके लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। और आपको इस लैपटॉप में मिलता है 8GB का DDR4 रैम और आपको मिलता है 512GB का M.2 PCIe NVMe SSD। तो आपको इस लैपटॉप में बहुत अच्छी फीचर्स मिलती है, क्योंकि आपको इस लैपटॉप में CPU के साथ साथ आपको मिलती है इंटेल की 11th जनरेशन प्रोसेसर, तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। साथ ही आपको इस लैपटॉप में मिलता है इंटेल का ही आरिस एक्स ग्राफिक्स। तो यहाँ पर इंटेल का जो ग्राफिक्स कार्ड है और इंटेल का जो प्रोसेसर है, इसमें बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने वाली है और आपकी लैपटॉप में बहुत ही अच्छा स्पीड आपको इस लैपटॉप से देखने को मिलने वाला है। चौथे और पांचवें नंबर पे जो हमारा लैपटॉप आता है वो एक बहुत ही हाई लैपटॉप है, जिसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, और इसलिए मैंने इस चौथे और पांचवें को साइड में रखा है। जो आपको आपको लैपटॉप परचेस करना है तो आप इन स्टील लैपटॉप में से आसूस के लैपटॉप जो आई है व्यूबुक अल्ट्रा, डेल के इंस्पिरॉन 5509, डेल के इंस्पिरॉन 5409 से परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी इस प्राइस रेंज को सेटिस्फाई करने वाली लैपटॉप है, और जो लैपटॉप है इसमें आपको बहुत ही एडवांस फीचर्स मिलती है, इसकी कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा होने वाली है, इसलिए इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Acer Swift 3 की। तो आपको इस लैपटॉप पे मिलती है 13.5 इंचेस की एक छोटी सी कॉम्पैक्ट साइज डिस्प्ले, जो कि एक IPS डिस्प्ले होने वाली है। तो IPS डिस्प्ले आपके व्यू एंगल को बहुत ही अमेजिंग करता है, अगर आप उसमें देखते हो मूवीज तो आपको उसमें बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और इसमें आपको मिलने वाली है 512GB की M.2 PCIe NVMe SSD, और आप इस अपने रैम को इसमें 4GB से लेकर 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सेम स्पेसिफिकेशन से आपको मिलती है इंटेल का ही 11th जनरेशन प्रोसेसर i5 के साथ और i7 के साथ। अब जितनी प्राइस बढ़ाओगे आपकी i7 i5 बढ़ते जाएगी। और मैं बात करता हूँ सबसे लास्ट लैपटॉप की, जो कि है आपका Asus का ही ZenBook 14। जी हाँ, ये लैपटॉप में आपको मिलती है 12MB की कैश मेमोरी। जी हाँ, 12MB की। यहाँ पर बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट है कि आपको इस लैपटॉप में मिलती है 12MB की कैश मेमोरी और आपको मिलती है इंटेल कोराई 5 के साथ, कोराई 7 के साथ। जितनी प्राइस बढ़ाओगे, मैंने आपको पहले भी कहा, आपकी प्राइस बढ़ाओगे आपकी जो उसकी होती है प्रोसेसर वो बढ़ती जाएगी i3 से i5 i7, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर जो इसकी प्रोसेसर है ये बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपको इस लैपटॉप में मिलती है 12MB की कैश मेमोरी, तो आपको इस लैपटॉप में बहुत ही अच्छा स्पीड देखने को मिलने वाला है। और इस लैपटॉप में भी आपको मिलती है IPS डिस्प्ले, जो कि आपकी 14 इंचेस की होने वाली है, और आपकी जो DDR4 रैम है, आपकी लेटेस्ट टाइप की जो पोर्ट्स है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स आपको मिलती है, USB का 4 पोर्ट्स, सभी चीज़ें आपको इस लैपटॉप में अवेलेबल है। तो ये थी टॉप 5 जो कि आपको लैपटॉप्स हैं, जो कि आपको लेटेस्ट 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।